हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस तरह की पेट्रोल से चलने वाली एक साइकिल को अपने घर पर कैसे बना सकते हैं। आप इस साइकिल का पावर देख सकते हैं, इसकी स्पीड देख सकते हैं और इसका साउंड सुन सकते हैं, जो कि सभी को पसंद आता है और हर कोई इस तरह की साइकिल बनाना और चलाना चाहता है। तो इसी तरह की और भी वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और ये साइकिल दोस्तों जहाँ से भी गुजरती है वहाँ पर भीड़ लग जाती है, हर कोई उसे देखना चाहता है और चलाना चाहता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी साइकिल की बेसिक डिटेल दे देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस साइकिल को आप घर पे कैसे बना सकते हैं। तो ये साइकिल दोस्तों जो है उसमें 80 cc का 2-स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है, जो कि एकदम सेंटर में फिट है। ये 2-स्ट्रोक इंजन है, इस वजह से इसका जो साउंड है वो काफ़ी खुला हुआ आता है और साइज में भी काफ़ी छोटा रहता है। तो ये जो मेन सिस्टम रहता है ये साइकिल के लिए ही आता है। इसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं और अपनी किसी भी साइकिल में फिट कर सकते हैं। इसमें इंजन में सभी फीचर्स आपको बिल्कुल बाइक की तरह ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये इसका चोक है। अगर साइकिल स्टार्ट ना हो तो आप चोक लगा के इसको स्टार्ट करेंगे तो वो हो जाएगी। उसके बाद इसमें हमें फ्यूल टैंक मिलता है, ये इसकी टंकी रही जिसमें पेट्रोल और ऑयल दोनों मिक्स एक साथ में चलते हैं, क्योंकि ये 2-स्ट्रोक गाड़ी है तो सूखी नहीं चलाई जाती है, ऑयल के साथ में चलाया जाता है। इसकी कैपेसिटी लगभग 2.5 लीटर की है, जो कि इसको लगभग 60-70 किलोमीटर की रेंज एक बार में दे देता है। उसके बाद ये इसका फ्यूल पाइप है और इसकी ये फ्यूल नॉब है, जिससे आप पेट्रोल को बंद भी कर सकते हैं और ऊपर करने पे इसको चालू कर सकते हैं। उसके बाद आप साइकिल का लुक देखेंगे तो हैंडल पे आपको एक्सीलेटर मिलेगा राइट में, और नीचे की तरफ ये स्विच मिलेगा। ये सेल्फ की तरह दिखने में है लेकिन ये सेल्फ स्विच नहीं है, ये इंजन का किल स्विच है। इसको दबाने से इंजन जो है वो बंद हो जाता है। और हमें राइट में एक्सीलेटर मिलेगा और लेफ्ट में हमें क्लच मिलेगा। क्लच के साथ साथ हमें नीचे तरफ इसमें ब्रेक भी मिल जाता है, जो कि पीछे का ब्रेक है। ये इसका क्लच सिस्टम है, क्योंकि अगर हमें साइकिल को पेडल से चलाना है तो हम क्लच को दबा के लॉक कर देंगे और साइकिल को हम पेडल से भी चला सकते हैं। और क्लच छोड़ते हैं तो इंजन साथ में घूमता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये इसको स्टार्ट करने का तरीका है। और साइकिल का लुक आप देख सकते हैं, इस तरह से साइकिल देखने में लगती है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह और थोड़ी सी डिफरेंट भी। और इसमें आप पीछे भी किसी को बिठा सकते हैं चाहे तो, क्योंकि इसके इंजन में इनफ पावर है दो लोगों को आराम से खींचने की। और पेडल से चलाना हो तो सिंपली आप क्लच को लॉक करके इस तरह से पेडल से चला सकते हैं। और साइकिल दोस्तों आप देखेंगे तो काले कलर की साइकिल में काले कलर का इंजन लगा हुआ है, जो कि साइकिल को एकदम कंपनी फिटिंग की तरह लुक देता है। और साइकिल पर बैठकर आप दोनों ही पैर जमीन पर रख सकते हैं, साइकिल ऊँची नहीं है बिल्कुल। ये जो मिडिल साइज वाली साइकिल आती है उसके फ्रेम में इस इंजन को इजीली फिट किया जा सकता है। और इसको स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पैडल मार के आप इसका क्लच छोड़ेंगे तो साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और इसका आप साउंड सुन सकते हैं। और इस तरह से इसको चलाना काफ़ी आसान है, काफ़ी सकरी जगह से ये निकल जाती है और बड़ी से बड़ी घाटी को भी ये चल जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा सिस्टम है, जो कि इंजन का एक किट आता है 80 cc का, जिसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं और इंडिया में कहीं पर भी अपने घर पर मंगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल साइकिल है, जिसके पीछे की तरफ मैंने ये जो इस पॉकेट व्हील है इसको फिट करके लिया है। ये वाला जो व्हील है वो साइकिल वाला जो मैकेनिक रहता है वो ईजिली फिट कर देता है, उसके लिए चक्के को निकाल के ये व्हील फिट करना पड़ता है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसका 80 cc का 2-स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है। इंजन में हमने कुछ चीज़ों को फिटिंग कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर हमने इसका साइलेंसर कस दिया है, जो कि नॉर्मल सी बात है, तो उसमें हमने आपका समय व्यस्त नहीं किया दिखाने में। और स्पार्क प्लग लगा दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तो कार्बोरेटर का 10 नंबर का जो नट रहता है उसको भी हमने कस दिया है, इसमें फिल्टर लगा दिया है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हमने इसमें फिट करके रखी हुई है, जो कि काफ़ी आसान रहती है लगाना। और यहाँ पर इसका पूरा सामान रखा हुआ है, जैसे कि पेट्रोल टैंक, इंजन का सिस्टम है, इग्निशन कॉइल है, क्लच है, चेन है, ग्रिप है, चेन टेंशनर है, फ्यूल फिल्टर है। तो इसका पूरा सामान रखा हुआ है, एक एक करके मैं आपको सारा लगाने का कैसा है वो आपको बताऊंगा। और इसके साथ दोस्तों ये मैनुअल भी आती है, जिसमें पूरी डिटेल है कैसे कैसे आप इसको लगा सकते हैं, पूरी फिटिंग की डिटेल लिखे में है और फोटो भी बनी हुई है, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को देख कर भी आप कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें इसकी इग्निशन कॉइल लगाएंगे।
इस तरह से इसकी इग्निशन कॉइल रहती है जो कि स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट करती है। तो यहाँ पर इसको लगा देंगे, यहाँ पर इसमें छोटे छोटे नट बोल्ट रहते हैं दो, तो उसको हम फ्रेम पे फिट कर देंगे जहाँ से भी हमें फ्रेम इसका एक्सेस करना आसान पड़ता है। इसको लगाने के बाद हम इसमें फ्यूल टैंक लगाएंगे। फ्यूल टैंक के नीचे आप देखेंगे तो इसको लगाने के लिए दो हुक दिए हुए हैं, और इसमें पेट्रोल डालने के लिए ऊपर इसका टैंक ओपन कर सकते हैं। इसका फिटिंग करेंगे हम, उसके लिए नीचे इसमें पत्ती जो मिलती है उन पत्तियों को लगाकर इसमें एक एक बोल्ट डाल देंगे और टाइट कर देंगे। 10 नंबर के पाने से इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरह से, तो इसका ये जो फ्यूल टैंक है वो फिट हो जाएगा। टैंक को हम आराम से फिट कर सकते हैं, कोई भी बड़ा बात नहीं इसको फिट करना। और इसके टैंक की कैपेसिटी लगभग 2.5 लीटर रहती है, तो 60-70 किलोमीटर की रेंज हमें एक बार में मिल जाती है। गाड़ी का माइलेज ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये 2 स्ट्रोक इंजन है जो कि पावर डिलीवर करता है लेकिन माइलेज डिलीवर नहीं करता है। ये सिर्फ शौकीन लोगों के लिए है। अब हम इसमें एक्सेलेटर फिट करेंगे और ग्रिप फिट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों लेफ्ट हैंड में इसका क्लच सिस्टम आएगा, और यहाँ पर 6 नंबर की एलन की से हम इसका पहले वाला ब्रेक योक निकाल लेंगे। फिर हम इसमें क्लच सिस्टम का योक लगाएंगे, इस तरह से क्लच सिस्टम का योक लगा देंगे। पहले 6 नंबर का एलन की इसमें लगता है, उसके बाद इसका पीछे का ब्रेक भी लगा देंगे। उसके बाद इसमें ये लेफ्ट हैंड की ग्रिप लगाएंगे। लीवर को अपनी पोजीशन पे करके उसको टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर एक्सीलेटर को लगाएंगे। सबसे पहले पुरानी ग्रिप को निकालेंगे, किसी भी नॉर्मल साइकिल को आप पेट्रोलाइज्ड इंजन वाली साइकिल को बना सकते हैं, और ये पूरी जो किट रहती है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। उसको आप खरीद के अपने घर पे मंगाइए और इस तरह से फिट कर सकते हैं जो कि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड के ब्रेक के साथ में एक्सीलेटर को लगा दिया है, एक्सीलेटर टाइट हो गया है। अब हम इसमें इंजन फिट करेंगे। इंजन में कुछ चीज़ें जो है वो पहले से फिट की हुई हैं। सबसे पहले इंजन की वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम यहाँ पर जो ट्यूब रहता है उसकी रबड़ को लगाएंगे और टेप से अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। यहाँ पर ट्यूब और उसकी रबड़ लग गई है। अब हम यहाँ पर इसका इंजन फिट करेंगे। इंजन की आप माउंटिंग देख लीजिए, जो वी शेप रहता है पेडल की तरफ, वहाँ पर इसकी माउंटिंग होती है। इसमें साइलेंसर जो है वो कसा हुआ है, कार्बोरेटर कसा हुआ है, बाद में इसको लगाना मुश्किल पड़ता है, तो आप पहले ही इसको लगाकर फिट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद हम इसमें माउंटिंग पत्ती लगाएंगे। यहाँ पर 10 नंबर के पाने से हम इसको टाइट कर लेंगे। दोनों ही पत्ती लगती हैं, एक सीट के जस्ट नीचे वाले पाइप में और इसमें जो एलन पाइप डला हुआ है उसके अंदर। इस तरह से लगा के टाइट कर लेंगे 10 नंबर के पाने से। इंजन को फिक्स करके हम इसको हिला डुला के चेक करेंगे कहीं ये हिल तो नहीं रहा है। जब ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तब हम इसमें दूसरे सामान को लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें इग्निशन कॉइल को जोड़ देते हैं, इग्निशन वायर और कट ऑफ पावर को जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद इसकी वायर को अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें कार्बोरेटर का एक्सीलेटर वायर लगाएंगे, ये इसका एक्सीलेटर वायर है। एक्सीलेटर वायर को अच्छी तरह से फिट कर देंगे। फिर हम इसमें जो चेन है उसको लगाएंगे। चेन को लगाने के लिए हमें इसका क्लच पैनल खोलना पड़ेगा। इसमें चेन और क्लच पैनल का इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि एक ही एंड से ओपन हो जाता है। ये इसकी चेन रही, ये जो बाइक में लगती है उस टाइप की चेन है। आप इसको इजीली मार्केट से भी ले सकते हो अगर छोटी वगैरह पड़ती है तो। इस तरह से हम इसमें चेन लगा देंगे। इसको बनाना काफ़ी आसान है और इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। और इस तरह से हम इसमें चेन लगा देंगे। चेन लगाने के बाद इसमें एक चेन लॉक रहता है, चेन लॉक को फिट करेंगे। ये इसका चेन लॉक रहा।
चेन लॉक लगाने के बाद इसका क्लच हब वापस फिट कर देंगे क्लच कवर के साथ में। तीन स्क्रू लगे हुए रहते हैं तो उनको हम वापस फिट कर देंगे, अच्छी तरह से टाइट कर देंगे पैकिंग लगाकर। चेन में आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं। अब हम इसमें क्लच वायर लगाएंगे। क्लच वायर लगाने के लिए सबसे पहले क्लच वायर को अच्छी तरह से फिट करेंगे, क्लच के अकॉर्डिंग इसका फ्री प्ले चेक करेंगे और फिर इस क्लच वायर को हम टाइट कर देंगे और क्लच की टेस्टिंग भी करेंगे, उसके बाद ही गाड़ी को चलाएंगे। यहाँ पर इसका क्लच आप देख सकते हैं, ये देखिए पेडल घूमने लगा है क्लच लगाने पर। अब हम इसमें चेन टेंशनर को लगाएंगे जिससे जो चेन चलते समय ऊपर नीचे होती है उसका जो लूप रहता है वो लगे ना कहीं। चेन टेंशनर को हम चेक करेंगे, उसको फिट करेंगे और अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। चौदह नंबर का पाना लगेगा इसमें। चेन को चलाकर देखेंगे, चेन उतरनी नहीं चाहिए और टाइट नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें फ्यूल पाइप का कनेक्शन करेंगे। इस कनेक्शन के बीच में एक फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है जो कि कार्बोरेटर में कचरा जाने से बचाएगा। और अब हम टैंक में पेट्रोल डालेंगे, इसमें 2T ऑयल डलता है जो कि 2 स्ट्रोक ऑयल कहलाता है पेट्रोल के साथ में, क्योंकि ये मिक्स चलता है, 2 स्ट्रोक इंजन है। और हमारी जो मोटराइज्ड साइकिल है वो तैयार हो गई है, चलने के लिए एकदम रेडी है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताऊंगा इसको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए जस्ट हमें इसमें पैडल मारना है और क्लच छोड़ना है और फर्स्ट में ही ये स्टार्ट हो जाएगी। और इसका साउंड आप सुन सकते हैं और इसका पावर डिलीवरी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें चैनल के साथ।